चाय के साथ आप सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैं हूँ ओशिम और आप सबका स्वागत करता हूँ अगेन मेरे यूट्यूब चैनल बैठी खाना में। तो फाइनली टेंट वगैरह सब कुछ फोल्डिंग करके सामान साइकिल में लूट कर दिया और बस अभी निकलने का देर है, इसीलिए सोचा चलो चाय पीते और निकलते। बहुत अच्छा लगा यहाँ के पहाड़ों में, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। अच्छा, भाई से मिलके और मजा आया। अरे आप लोगों से मिलके भी बहुत मजा आया। आप हरियाणा से हैं? आप हरियाणा से? अच्छा, मैं त्रिपुरा से हूँ, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा। आप त्रिपुरा जाइए, त्रिपुरा में बहुत सुंदर जगह है घूमने के, मतलब घूमने का लायक है, बहुत सुंदर जगह है। हाँ त्रिपुरा बहुत सुंदर है, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा अगरतला जाना, बिल्कुल जाना सर। हाँ सर, बहुत कुछ है देखने के लिए। ठीक है सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर। जिंदगी एक सफर गाइस, ये जो पहाड़ का जो मजा है ना, बहुत ही अलग लेवल का है। मतलब जो पहाड़ में चलता है ना, उनको ही पता चलता है मतलब पहाड़ का मज़ा कैसा है भाई, बहुत ही तगड़ा लग रहा है। फिलहाल तो भाई कहीं पहुंचने के लिए तो कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज जहाँ से निकला भाई, इस जगह का नाम एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, एक पहाड़ में कल रात स्टे किए थे, लेकिन हाँ जहाँ मतलब रहते भाई वही रोड है केदारनाथ का। बस फिलहाल तो केदारनाथ की तरफ ही जा रहा हूँ, लेकिन 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 आज सबसे पहले जा रहा हूँ देवप्रयाग, क्योंकि यहाँ पे दो गंगा बहता है भाई। एक गंगा का नाम है अलकनंदा और दूसरा गंगा का नाम है भागीरथी। तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी दिखाओ, मैं भी देखूँ, ठीक है? तो फिलहाल तो आगे जा रहा हूँ, लेकिन आज ज़्यादा सीन दिखाऊँगा नहीं, क्योंकि भाई देखिए पहाड़ में हो अभी तक तो सब एक जैसे ही लग रहे, तो आप लोग भी शायद बोर हो रहा है मेरा वीडियो देख देख के। क्या बोलो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो नीचे रूट देख रहे हैं ना आप लोग, ये नीचे अभी देखिए ऊपर से आ रहा हूं और बस अभी और नीचे जाऊंगा, यही होता है असली पहाड़ का मजा। और पहाड़ों में सीरियसली प्रॉब्लम भी हो रहे हैं, मजा भी हो रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि बाबा का दरबार में जाने के लिए भाई थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए अगर बाबा का दरबार में पहुंच जाऊंगा तो भाई इस चीज में मजा नहीं है। ये रहा मेरा पैंथर, और मेरे को अभी काला काला देख रहा है ना, एकदम धूप में पिचक गया, लेकिन कोई नहीं यार, बाबा का दर्शन कर लूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। वेलकम टू देवप्रयाग। तो गाइस ये है देवप्रयाग, और देवप्रयाग का जो सबसे अच्छा जो सीन है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो दो रिवर बीच में जा रहे हैं, एक का नाम है भागीरथी और दूसरा का नाम है अलकनंदा, और दोनों रिवर मतलब एक साथ जोड़ के जा रहे हैं आगे, और दोनों एक साथ मिल के हो रहे हैं गंगा। तो उसे ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप लोग भी देखिए। तो गाइस यहाँ से श्रीनगर 10 किलोमीटर है, और एक्चुअली एक शॉप में आया खाना खाने के लिए, बहुत भूख लगा था और खाना खा भी लिया सर जी। तो सर ने एक्चुअली जो आपने खाया तो पेमेंट कर दिया, थैंक यू सो मच सर। अच्छा कहाँ गया? और बस अभी निकल जाऊँगा, नीलेश भाई भी खा लिया। तो अभी एक्चुअली क्या ना, श्रीनगर और एक भैया है वेट कर रहे हैं, एक्चुअली उनका घर आज जाके रुकूंगा, तो चलिए चलते श्रीनगर। हेलो भैया जी। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं देहरादून से हूँ। देहरादून से? हाँ जी। अभी कहाँ जा रहे हैं, मतलब साइकिलिंग करके? इतना मतलब मेरे दो मित्र आए थे। अच्छा, मैं उनको पिक करने गया, दोनों भी केदारनाथ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम उनकी जर्नी में कुछ क्षणों का साथ देने और साथ देने आए हैं उनका। ओह, लेकिन सब मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ कि साइकिल लेके निकल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये साइकिल आपकी है। अरे आप जब चाहे ले सकते हो, हम तो बस कुछ छड़ों के आगे लेके आपके साथ। और क्या यूनिवर्सिटी है जहाँ से एमएससी हॉर्टिकल्चर। अच्छा अच्छा, और एक भैया, बहुत आनंद आया, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। भैया आप कहाँ से? आप बिहार से साइकिल लेके? अरे चले चले। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ श्रीनगर, और एक्चुअली जिस भैया के बारे में आप लोगों को बताया था कि मैं आज एक भैया का रूम जाऊंगा, तो भैया का नाम एक्चुअली क्या है, सूरज भैया। फिलहाल उनका रूम में आया, और चलिए सूरज भैया से मिला आते, और साथ में उनका दोस्त से भी मिला आते। चलिए ये रहा सूरज भैया। हाँ मैं सूरज हूँ। तो
मैं बहुत दिनों बाद इंजॉय कर रहा था, 2 हफ्ते से फाइनली इनसे मुलाकात हुआ मेरा, बहुत अच्छा लग रहा अभी मेरे रूम पे आके आने के बाद। तो मेन कहानी क्या है, एक्चुअली मेरे को पता नहीं था इनका नाम, इनके कुछ भी पता नहीं था। तो मेरा मम्मी पापा सब फॉलो करते हैं इनको, इनका चैनल यूट्यूब इन सब में। तो पापा ने ऐसे एक दिन बताया कि ऐसे ऐसे त्रिपुरा से निकला, अम्बासा डिस्ट्रिक्ट है ना, धलाई डिस्ट्रिक्ट, हाँ धलाई डिस्ट्रिक्ट कोई निकला, तुम इसको अभी ऋषिकेश में है तो ये श्रीनगर के दाना जाएगा, श्रीनगर जाएगा, तो अगर तू कर सकते तो इनका मदद कर देना। तो अगर अंकल आंटी मेरा वीडियो देख रहे तो प्रणाम, और आप लोगों की वजह से आज श्रीनगर एक्चुअली स्टे मिल गया है, और भैया की वजह से अभी चलिए भैया, मतलब भैया का फैन लोगों से मिल जाते हैं। चलिए मोबाइल, एक्चुअली गाइस देखो मेरा मोबाइल भी कर रहा है लेग, लेकिन कोई नहीं, मेरे को शूट करने। ये है मेरा चंदन भैया। हेलो भाई, कैसे हो? हाँ बढ़िया हो आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप लोगों से मिलके भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भैया जी, हम आपकी इस यात्रा को चाहते हैं कि और अच्छे से इसको आप कंटिन्यू रखें, और आपसे मिलके हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई अलग, और एक मोटिवेशन अलग मिला। और मेरा मानना है कि लाइफ में जो बंदा जितना ज्यादा एक्सप्लोर करता है उससे बढ़िया सीख कोई नहीं दे सकता। और एक भैया जी है त्रिपुरा से, है भाई अपना नाम बता दीजिए। अच्छा त्रिपुरा से हो? हाँ आपसे मिलके बहुत अच्छा, आपसे मिलके स्पेशल बहुत अच्छा लगा क्योंकि त्रिपुरा से है। तो गाइस फिलहाल मैं और सूरज भैया छत पे आया और वीडियो एडिट कंप्लीट किया, फिलहाल एंडिंग शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली अंधेरा है तो चलो ऐसे बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का जो वीडियो है ना आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो भाई कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और जिन्होंने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया ना, कर लो यार, कंजूसी मत करो। आज के लिए इतने, बाय।